खबर ग्वालियर से है, जहां कंस्ट्रक्शन वर्क का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने से नाराज दो भाइयों ने मिलकर एक युवक को डंडे से पीट पीट कर घायल कर दिया है। हालांकि फरियादी की शिकायत के बाद पुलिस ने दोनों भाइयों को गिरफ्तार कर लिया। मामला कंपू थाना क्षेत्र में मौजूद अपार डायग्नोस्टिक सेंटर का है, जहां कंस्ट्रक्शन वर्क का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने पर जितेंद्र और नरेंद्र ने तेज प्रताप राय को डंडे से बुरी तरह पीटा और घायल कर दिया। मारपीट में घायल युवक ने मामले की शिकायत कंपू थाना पुलिस से की है, जिसके बाद पुलिस ने दोनों भाइयों को गिरफ्तार कर लिया है। कंपू में डॉक्टर सुबोध गुप्ता का जो है लैब है, वहाँ पर डायग्नोस्टिक सेंटर है। उनका जो लैब टेक्नीशियन है राय, तेज प्रताप राय, वो उनका कंस्ट्रक्शन का दूसरी और तीसरी मंजिल पर कंस्ट्रक्शन का काम देख रहा था। इसी बीच में दो लोग आए, नरेंद्र परिहार और उसका भाई, और उनने आके उसके साथ मारपीट चालू कर दी। मारपीट करने का कारण ये था कि 3 महीने पहले इनका ठेके, जो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे थे, उनका कंस्ट्रक्शन का निर्माण कार्य, और निर्माण कार्य अचानक सही नहीं होने से सुबोध गुप्ता द्वारा इनसे मना कर दिया था 3 महीने पहले, और फिर किसी दूसरे को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया था। तो ये काम खड़े होकर काम करवा रहा था, तो इसके साथ वह इसके साथ ही एक शिवम आया, उसके साथ मारपीट की, असली गालियाँ दी, जान से मारने की धमकी दी। इसकी रिपोर्ट पर से धारा 452, 323, 294, 5634 का अपराध पंजीबद्ध कंपू थाने पर किया गया, और प्रकरण की विवेचना में आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार कर वैधानिक कार्रवाई की गई।